हेलो डियर लर्नर्स, 15 मिनट वोकैब सेशन 3 में आपका स्वागत है। और आइए आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं 15 मिनट्स में। देखिए, आज के जो हमारे वर्ड्स हैं, इसमें सबसे पहला वर्ड है क्वैगमायर। क्वैगमायर वर्ड जो होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है दलदल, ठीक है। आप कह सकते हो स्वैम्प, मार्स, लेकिन इसके अलावा हम इसको और मीनिंग में भी यूज करते हैं। सम सिचुएशन और सम डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो इसके सिनोनिम्स जो हैं, फिक्स, मैस, प्रेडिकामेंट, इम्ब्रॉग्लियो, ये भी इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। इम्ब्रॉग्लियो, प्रेडिकामेंट, मैस, फिक्स, इसका मतलब हो गया सम डिफिकल्ट सिचुएशन। When someone gets in difficulty, he can say that I got into this predicament. ठीक है? Example देखिए, very soon she begins to lose herself in a shady quagmire of corporate duplicity and espionage. ठीक है? कि उसने बड़ी जल्दी से ही खुद को खो दिया। उसने पाया कि वो इस दलदल में, जो corporate की मतलब duplicity और espionage का जो दलदल है, उसमें खुद को अपने खोते हुए उसने खुद को पाया। ठीक है? Next word है elation. Elation का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, आनंद। ठीक है? इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो जुबिलेशन, ग्ली, एक्सल्टेशन। ठीक है? ये हो गया। उसके बाद में जैसे रैप्सोडीज, एक्सटेसी, ठीक, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बाथ्स इन द गंगा गेव हिम ग्रेट स्पिरिचुअल एलेशन, कि गंगा रिवर में नहाने के बाद, स्नान के, गंगा स्नान के बाद में उसको बड़ा ही स्पिरिचुअल एलेशन महसूस होता था। ठीक है? बड़ी ही मतलब उसको आध्यात्मिक खुशी, आनंद मिलता था। एंड द फर्स्ट वन वॉज ऑलवेज टेकन बिफोर डॉन, और पहली बात जो होती थी गंगा में, वो पहला गंगा जी में स्नान हमेशा ही सूर्योदय से पहले कर लेता था, डॉन से पहले। ठीक है? नेक्स्ट, बी सेट। अच्छा, एक मिनट और एक काम करिएगा, इन वर्ड्स के ना पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ ही साथ में समझते रहेंगे। क्वैगमायर जो वर्ड है, ये नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, इलेशन का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है बिसेट। बिसेट वर्ब है। बिसेट का मतलब होता है किसी को ट्रबल करना, परेशान करना। ठीक है? कुछ ऐसा करना जिससे कि वो परेशान हो जाए। ठीक है? कोई सिचुएशन, कोई पुरानी याद, कोई मतलब ऐसी चीज जो आपको परेशान करे, तो परेशान करने को बिसेट कहते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल सिनोनिम्स देखें, ट्रबल, वरी, हाउंड। हाउंड नाउन भी होता है, ध्यान देना। और हाउंड का मतलब जैसे शुकारी कुत्ता होता है ना, किसी के पीछे पड़ जाता है, उसको परेशान करता है, तो उसी तरीके से हाउंड करना मतलब किसी को परेशान करना भी हो गया। ठीक है? ट्रबल, वरी, हाउंड हो गया। ठीक है? और टॉर्चर, टॉर्चर हो गया, ऑप्रेस, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। ठीक? द ऑर्गेनाइजेशनल डिफिकल्टीज दैट ऑफन बिसेट प्रोजेक्ट्स मे बी अ बैरियर टू द आइडिया ऑफ ओपन सोर्स। अब हम कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डिफिकल्टीज होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स को बिसेट कर देते हैं, ट्रबल कर देते हैं, जिनकी वजह से कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो मतलब परेशान हो जाता है और उसको उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। ठीक है? वो जो ऐसी तरीके की जो डिफिकल्टीज होती हैं, मे बी अ बैरियर टू द आइडिया ऑफ ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का जो आइडिया है वो उसके लिए एक बैरियर बन सकती हैं, रुकावट बन सकती हैं। ठीक है? नेक्स्ट, रिवेलरी। रिवेलरी का मतलब होता है शोरगुल के साथ में एंजॉयमेंट। रिवेलरी का मतलब होता है एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। ठीक है? मैरी मेकिंग, फ्रॉलिक्स, मेरी मेट, पार्टिंग, आप पार्टिंग लिख सकते हैं। अच्छा, इनके अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो रेवलरी वर्ड जो है ना, ये नाउन है, इसका एक आप और सिनोनिम लिख सकते हैं, रेवल्स। एग्जांपल से समझना, दे टुक हिम टू अ हाउस ब्लेजिंग विद लाइट हार्ड बाई। हार्ड बाई का मतलब होता है नियर, पास में, कि वो उसको एक घर में लेके गए जहां पर लाइट्स जल रही थी। मतलब जैसे जब कोई डेकोरेशन वगैरह, कोई पार्टी वगैरह होती है ना, तो बहुत सी लाइट्स लगा देते हैं, उस तरीके की लाइट्स जो थी वहां पर। वेयर देयर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग एंड मच रिवेलरी, जहां पे सिंगिंग हो रही थी, डांसिंग हो रही थी, और हर तरीके का वहां पे एंजॉयमेंट चल रहा था।
अब देखो इसमें और रिलेशन में डिफरेंस समझना। रिवेलरी का मतलब हो गया फिजिकल काइंड ऑफ एक्टिविटीज करके मतलब प्रसन्नता इकट्ठी करना, और इलेशन क्या हो गया, आपके अंदरूनी खुशी हो गई, आनंद हो गया। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड डिफरेंट होते हैं इसलिए हमने इनको अलग अलग शामिल किया। तो ये रिवेलरी हो गया। उसके बाद हो गया एंचेंट। एंचेंट वर्ड जो है ना वर्ब है बच्चे, ये वर्ब है एंचेंट, और एंचेंट का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना, मोहित करना, मतलब एक तरीके से कैप्टिवेट करना। तो इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें, कैप्टिवेट, बेविच, स्पेल बाइंड, ये आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा स्पेल बाउंड। ठीक है, तो ये जो बाइंड है ना ये वर्ब है, और बाउंड जो होता है वो इसी की मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। तो स्पेल बाउंड वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, स्पेल बाउंड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, स्पेल बाइंड जो है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म है। तो स्पेल बाइंड करना मतलब किसी के, स्पेल का मतलब यहाँ पे जैसे जादू टोना है। ठीक है, स्पेल का मतलब कोई मंत्र वगैरह किसी के ऊपर मार देना कि वो आपके बस में हो गया, मतलब वश में कर लेना। तो स्पेल बाइंड करना मतलब किसी को आकर्षित करना, मोहित करना, ठीक है, लुभा लेना, फैसिनेट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल देखिए, पिक्सी टैटूज, अ काइंड ऑफ टैटूज होते हैं, पिक्सी टैटूज आर अ ग्रेट कन्वर्सेशन स्टार्टर। आपको किसी के साथ में बातचीत स्टार्ट करनी है तो पिक्सी टैटूज की बात कर दो, अच्छी मतलब आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। एंड आर सर्टेन टू एंचेंट ऑल ऑफ देयर एडमायरर्स, और जो भी उनके एडमायरर्स होते हैं, पिक्सी टैटूज के जो एडमायरर्स होते हैं, उनको आप उनकी बातचीत शुरू कर दो पिक्सी टैटूज की, तो तुरंत ही आप उनको एंचेंट कर लोगे, आकर्षित कर लोगे, फिर वो आपको पूरा ध्यान देंगे, आपकी बात सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, आपके साथ में मतलब एंगेज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आ गया डिथर। डिथर जो वर्ड होते हैं ना वर्ब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी काम को करने से हेसिटेट करना, कि मतलब करें या ना करें उसको टाल देना। ठीक है, तो आप देखें इसका सिनोनिम हो जाएगा हेसिटेट, प्रोक्रेस्टिनेट, डॉडल, डिली डेली, और एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है वैसिलेट, VACILLATE, वैसिलेट। वैसिलेट करना मतलब स्वय करना, मतलब डिसाइड नहीं कर पाना कि हम करें या ना करें। ठीक है, वैसिलेशन होता है ना जैसे, तो देखो द मिनिस्टर वुड डिथर एंड वोबल व्हेन ही वाज क्वेश्चन्ड ऑन हिज पॉलिसीज, कि जैसे कोई मिनिस्टर है, जब उससे उसकी पॉलिसीज के बारे में क्वेश्चन किए जाते थे, ठीक है, तो वो क्या करता था, डिथर करता था, हेसिटेट करता था आंसर करने से। ठीक है, डिली डेली करता था, प्रोक्रेस्टिनेशन करता था। ठीक, तो डिथर का मतलब हो गया किसी काम को करने का निर्णय नहीं ले पाना और उसको मतलब डिले करना, हेसिटेट करना, ठीक है, उस काम को करने से, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आना, फुल कॉन्फिडेंस नहीं पा पाना जिससे कि उस काम की शुरुआत की जा सके, उसको किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आ गया एस्पर्जन। एस्पर्जन वर्ड जो है ना ये नाउन है बच्चे, ये नाउन है, इसका मतलब होता है डिफेमेशन, बदनामी, मतलब किसी की बदनामी करना। एस्पर्जन्स का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाकर उसकी बदनामी, मतलब ठीक है, तो एस्पर्जन डिफेमेशन हो गया, कैलुमनी हो गया। ये बड़ा कॉमन वर्ड है, ये आप में से ज्यादातर बच्चों ने कैलुमनी वर्ड जो है ये कभी ना कभी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, कैलुमनी हो गया, डिफेमेशन हो गया, उसके बाद में एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है इंग्लिश में ऑब्लिक्यू, ठीक है, ऑब्लिक्यू करना मतलब किसी को किसी के बारे में गलत कहना, गलत प्रचार करना, ठीक है, ओपनली। उसके बाद में एक वर्ड हो गया विलिफिकेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा विलीफाई एक वर्ब होती है, विलीफाई करना मतलब किसी के बारे में गलत चीजें फैलाना, उसके बारे में बदनामी करने की कोशिश करना, तो विलिफिकेशन इज द नेम ऑफ सच एक्ट। विलीफाई इज अ वर्ब, विलिफिकेशन इज द नाउन फॉर्म ऑफ दैट वर्ब। ठीक है, तो जैसे डिफेमेशन हो गया, कैलुमनी हो गया, ऑब्लिक्यू हो गया, विलिफिकेशन हो गया, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एक और अच्छा वर्ड होता है, आप इसके लिए लिख दीजिएगा कहीं पर, लाइबल, LIBEL, इसका मतलब भी एस्पर्जन ही होता है। ठीक है, तो एस्पर्जन का मतलब किसी की निंदा। एग्जाम्पल देखिए, द जर्नलिस्ट फ्लैटली डिनाइड कास्टिंग एस्पर्जन्स ऑन द एक्टर्स कैरेक्टर, कि मतलब जो जर्नलिस्ट था उसने फ्लैटली, सीधा सीधा मतलब उसने आउटराइट डिनाई कर दिया। ठीक है, किस चीज से, कास्टिंग एस्पर्जन्स ऑन द एक्टर्स कैरेक्टर, कि उसने जो एक्टर था उसके कैरेक्टर पर उसकी निंदा की थी, उसके कैरेक्टर की उसने आलोचना की थी या निंदा की थी, इससे उसने मना कर दिया कि उसने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्पर्जन। नेक्स्ट वर्ड आ गया कैप्राइस।
कि प्राइस वर्ड जो होते हैं ना, ये होते हैं नाउन, ठीक है। एक इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है, आप में से ज्यादातर बच्चों ने वो पढ़ा सुना होगा, कैप्रेशियस। कैप्रेशियस का मतलब होता है जो कि मतलब एक जगह एक चीज सोच ना पाए, कभी इधर का कभी उधर का सोचे, कैप्रेशियस का मतलब चेंजेबल होता है। तो कैप्राइस का मतलब होता है विम, सनक, ठीक है, अर्ज, क्विर्क, वैगरी, इंपल्स, ठीक है। तो कैप्राइस का मतलब होता है एकदम से कोई आइडिया आपके दिमाग में अचानक से आ गया, ठीक है, और फिर चला भी गया, तो उसको हम कहते हैं कैप्राइस। विम हो गया, अर्ज हो गया, क्विर्क हो गया, वैगरी हो गया, इंपल्स हो गया, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी भी इसका सिनोनिम हो जाएगी। अब एग्जांपल देखिए, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैपिटल बाय कॉन्स्टेंटाइन वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ पर्सनल कैप्रेस और इंडिविजुअल जजमेंट। तो मतलब जो नई कैपिटल कॉन्स्टेंटाइन ने बनाई थी वो उसकी कोई सनक का रिजल्ट नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि उसको अचानक से एकदम से सनक आई कि नहीं हम नई कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, और नई सिटी बसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब उसको वो ऐसा एडवाइस किया गया होगा, उसको काउंसिल किया होगा, उसके काउंसलर्स ने उसे ऐसा बताया होगा करने के लिए, तब उसने किया होगा, ठीक है। तो ये हो गया कैप्रेस। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वर्ड आएगा प्यूट्रिड। प्यूट्रिड वर्ड जो होता है ना, ये होता है एडजेक्टिव, और प्यूट्रिड का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि जिससे कि मतलब सड़ांध आ रही हो, एक हिंदी वर्ड होता है, आप समझेंगे, मतलब जैसे कोई चीज जब डिके करने लगती है, मतलब सड़ने लगती है, तो उसकी जो अवस्था होती है जिससे उसमें बड़ी खराब बदबू आती है, उसको कहते हैं प्यूट्रिड। प्यूट्रिड का मतलब समथिंग विच इज इन दैट स्टेट, जो उस अवस्था में हो कि उससे बड़ी खराब बदबू आ रही है और वो डिके कर रही है। तो इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें, देखो डिकेइंग, ठीक है, प्यूट्रिसेंट, फेटेड, ठीक है, जैसे डिकेइंग हो गया, प्यूट्रिसेंट हो गया, फेटेड हो गया, कि मतलब कोई चीज है वो अपनी लास्ट अवस्था में है और वो सड़ रही है, गल रही है, ठीक है। एक और वर्ड होता है बड़ा अच्छा, अगर पढ़ा हो आपने कभी, स्टिंकिंग, फाउल, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो ऐसी स्टेट में हो कि वो डिके कर रही हो, सड़ रही हो, ठीक है, और मतलब उसमें से खराब बदबू आ रही हो, बदबू खराबी होती है, ठीक है, तो उसको, उस स्टेट को मतलब एडजेक्टिव के थ्रू डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं प्यूट्रिड। एग्जांपल देखिए, आउटसाइड द फोर्ट, फोर्ट का मतलब किला, आउटसाइड द फोर्ट नथिंग वॉज टू बी सीन बट बर्नट डाउन हाउसेज एंड प्यूट्रिड बॉडीज। कि जैसे कोई किला था तो उस किला के बाहर में और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था सिवाय किस चीज के, सिवाय वहां पे जले हुए घर थे और उनमें से डिकेइंग बॉडीज थी, मतलब जो लोग रहे होंगे उन घरों में जो जल गए होंगे उनकी जो बॉडीज थी वो डिके हो रही थी और उनमें से बदबू आ रही थी, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव होता है। फिर आगे वेरिटेबल, वेरिटेबल वर्ड जो है ये भी एडजेक्टिव होता है। वेरिटेबल का मतलब होता है जेन्युइन, जेन्युइन, ठीक है, ठीक है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में बोनाफाइड, एक वर्ड हो गया इनडिस्प्यूटेबल, और एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है लेजिट, ठीक है। तो वेरिटेबल का मतलब होता है जो सच्चा है, ट्रू है, ठीक है, फेक नहीं है, नकली नहीं है, ठीक है, जेन्युइन, बोनाफाइड, इंडिस्प्यूटेबल, लेजिट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब एग्जांपल देखिए, द साइट्स ऑल लिंक्ड टुगेदर प्रोवाइड अ वेरिटेबल कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया एक वर्ड होता है, मतलब जैसे एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक वो होता है, एक मतलब बर्तन तो उसको नहीं कह पाएंगे प्रॉपर, बट एक सींग टाइप चीज होती है, हॉर्न, सींग होता है खोखला अंदर से, तो उसमें से सब कुछ मिलता रहता है, मतलब उससे आप कुछ भी पा सकते हो, इस तरीके का अपने हिंदू माइथोलॉजी में एक आता है अक्षय पात्र। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र है जिसमें से कोई भी चीज निकलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होती है, ठीक है, जिससे आप सब कुछ पा सकते हो। तो कॉर्नुकोपिया जो होता है ना, इस टर्म का हम यूज करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए जो बहुत रिच है, जिसमें कभी चीजें खत्म नहीं हो सकती, मतलब बहुत, जिसके अंदर स्टॉक है, जिसके अंदर बहुत स्टोर है, आप कितना भी बाहर निकालते रहो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं द साइट्स आर लिंक्ड टुगेदर, कि जितनी साइट्स हैं अगर इनको सबको साथ में लिंक कर दिया जाए, ठीक है,
तो दे प्रोवाइड अ वेरिटेबल कॉर्नोकॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक्स. तो इन टॉपिक्स पे उनसे हमें एक बड़ा ही वेरिटेबल जेन्युइन कॉर्नोकॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. ठीक है, कॉर्नोकॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा सोर्स जो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है. ठीक है, तो ये वेरिटेबल भी आपका एडजेक्टिव हो गया. चलिए, तो ये हो गया आपका डिस्कशन ऑफ दिस वर्ड्स. और ये जो हमने आपके साथ में डिस्कशन किया है, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएक इंग्लिश से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर ये अवेलेबल है. ये हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं जिनके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. बाकी कीप इंजॉइंग लर्निंग इंग्लिश, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ये सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा. तब तक के लिए बाय, थैंक यू एवरीबॉडी.